वेलकम बैक टू माय चैनल इन मानसी लाइफस्टाइल। और कैसे हैं आप सब? एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आपको शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की। और वो अभी रेडी हो चुका है, मैं भी रेडी हो गई थी बहुत टाइम पहले। एक्चुअली आपको मैं बहुत मेकअप में दिख रही हूँ। रीज़न ये है, मैंने इवेंट के लिए मैंने शूट किया, मैं रेडी हूँ। बाद में मैंने चेंज वेस्टर्न चेंज करके इंडियन गेटअप में आ गई हूँ। मुझे जाना है किचन में। एट द एंड ऑफ द डे आप कुछ भी कर लो, आपको जाना कहाँ है? किचन में ही जाना है, और कहीं नहीं जाना होता है। तो उस किचन में जाना है मुझे। छोला बना लिया है मैंने, और पूड़ियाँ बनानी है, पूड़ियाँ बनानी है मुझे। और थोड़ा लेट हो गया मेरा, एक घंटा इसके कारण लेट हो गया। मैं पहले ही दे देती, लेकिन सब ने हैवी। ये क्या होता है ना कि हमारे यहाँ इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे के दिन हमारे यहाँ रीजन में ना सब बूंदी सेव खाते हैं, तो सब ने अच्छा खासा खाया, फ्रूट जूस वगैरह सब ने ले लिया, इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गई। तो भी कोई हड़बड़ी की बात नहीं थी। मैं पूड़ियाँ बनाऊंगी फटाफट मम्मी के लिए, क्योंकि कुछ बनाना है, जूस बनाना है मुझे। सबसे पहले मैं किचन में जाऊंगी और बोबो का स्पेशल पूड़ी दूंगी। बोबो इधर आ रहा है। बोबो बहुत खुश है, उसने प्रेड किया। बोबो बैच वॉच लगा के बस गाड़ी लेके घूम रहा है। जल्दी आओ जल्दी। हेलो सबको देखो, बहुत ज्यादा खाली है। वाओ। एंड बोबो योर ड्रेस, अरे खड़े होके करो, खड़े होके। तो चल, बोबो का नाटक तो चलता ही रहेगा। उसको जब मन में आता है वो बोलता है, जब मन में नहीं आता। वो वैसे भी उठ के, उसके बड़े पापा आए थे वो गए हैं, तो वो बहुत अपसेट था। 2 घंटे वो कंटिन्यू रोया है, तो हमने कुछ कुछ बोल के उसको मनाया, फिर जाके वो नहाया है, तब जाके वो कुछ किया है। वैसे भी वो लेट था, और भी लेट हो गया वो। हाँ जो सीक्रेट था बोबो का फ्लैग बैग सब आ गया है। तो कुछ नहीं, बस हो गया सबका। अब मैं फटाफट जाऊंगी किचन में और खाना बनाऊंगी। वेरी हैप्पी बोबो। हर ये साल पार्टिसिपेट करता था, अब स्टेज परफॉर्मेंस सब देता था। बोबो इज वेरी गुड इन स्टेज परफॉर्मेंस, उसको अच्छा लगता है। उसकी मदर ने कभी स्टेज परफॉर्मेंस नहीं दिया, मेरा बेटा बहुत स्टेज परफॉर्मेंस देता है। तो चलिए मैं जाती हूँ किचन में, फटाफट से पूड़ियाँ बनाती हूँ, दाल चढ़ाती हूँ, जूस बनाती हूँ। बहुत सारा काम मेरा पेंडिंग है, फटाफट से करते हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपसे किचन में। ये देखिए मैंने छोला बनाया है, मैं इसको गर्म कर रही हूँ, मैंने जल्दी बना लिया था थोड़ा सा। ये मटर का छोला। जूस बनाना कैंसिल हो गया है, जूस की जगह मैं दे देती हूँ नारियल पानी, जल्दी ज्यादा अच्छा रहेगा। और ये आटा, मैंने पूड़ियाँ का आटा गूंथ के रखा है। और एक ये इधर झारखंड का ना है, एक रीजनल स्वीट्स बोलते हैं इसको, अनरसा। तो ये अनरसा है जो स्वीट में, और ये बूंदी खाते हैं लोग आज के दिन सब बूंदी। और ये रहा मेरा सेब, सेब खाएंगे सब, बस यही है। तो चलिए मैं पहले मम्मी को नारियल पानी दे देती हूँ। एक ही नारियल बचा हुआ है, बोबो को पता चलेगा तो वो भी बोलेगा उसको भी नारियल पानी पीना है। तो हम तो बताने वाले नहीं, इसको छान के ग्लास में दे देंगे। तो चलिए जूस दे देते, जूस नहीं सॉरी नारियल पानी। यहाँ पूड़िया मैं बना रही हूँ, बस पूड़िया दाल दूंगी बन जाएगी, और हो गया मेरा आज का काम फिनिश।
चलिए मैं सबको खाना देती हूँ, शाम में मिलती हूँ आपसे। गुड इवनिंग, यहाँ मैं चढ़ा रही हूँ दूध। आप देख सकते हैं आपको मेरा किचन साफ दिखेगा। मैं सबसे पहले आके दोपहर में बहुत मेसी हो गया था मेरा किचन, ऑयल के पैकेट ऐसे पड़े हुए थे। मैंने सबसे पहले किचन में आके पहले मैंने किचन क्लीन किया, ग्रीन टी बना के मैंने रखा है। अब मैं दूध चढ़ा रही हूँ गर्म करने, गोबो को दूध दूंगी। और वेरी इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा गोबो के लिए पास्ता, तो गोबो के लिए मैं बना रही हूँ यहाँ पे पास्ता। ये है इसका पास्ता, मुझे इसका पसंद आता है। अब खत्म है, लास्ट ही बचा है। इसको मैंने फिर से ऑर्डर किया ऑनलाइन। गोबो को मैं 15 अगस्त के स्पेशल में वो पास्ता खाने का डिमांड किया है। अब मैं पास्ता बना रही हूँ, फिर पास्ता बना रही हूँ। मैं बहुत थक गई हूँ। मैं आपको बताऊंगी, बहुत इजी है बच्चों के लिए पास्ता बनाना। बच्चों के टेस्ट के हिसाब से हम पास्ता बनाएंगे, व्हाइट सॉस पास्ता। इसका मैंने बहुत एक अच्छा आइडिया निकाल लिया है, व्हाइट सॉस पास्ता का। थोड़ा सा मीठा होगा ये, इसके लिए मैं कट करूंगी। इसके लिए मेरे को चाहिए ये दिखाई, एक शिमला मिर्च और ये गाजर, पुराना हो गया है। और ये मौसमी जो मम्मी के लिए जूस बनेगा, अभी पानी में डाल देने से कैसा होता है, फ्रिज का जो ठंडापन होता है ना वो खत्म हो जाता है। मेरे पास कैबेज वगैरह नहीं है, पत्ता गोभी, तो मैं सिर्फ यही डाल के बनाऊंगी। बच्चों को वेजिटेबल्स वैसे खिलाना चाहिए लेकिन आज अवेलेबल नहीं है, तो जो चीज़ें हैं मैं उसी से बनाऊंगी पास्ता। आज ईजी है, बहुत ईजी है बनाना इसको। थोड़ा बॉयल पास्ता, ये वाला बॉयल होने में टाइम लगता है। मौसमी जूस, फिर मैं जाके पीऊंगी ग्रीन टी। मैं आज बहुत थक गई थी, बहुत, अभी भी आपको मैं एग्जॉस्ट लग रही हूँ। अपने फ्लैग के कलर का मैं आज पास्ता बना रही हूँ। मेरा नेल पॉलिश का कलर भी मैच कर गया है मेरे फ्लैग के कलर से, मेरा ड्रेस, मेरा चूड़ी, सब कुछ। इसको होने में ना टाइम लगता है पास्ता, ये थोड़ा सा टाइम लगता है, 10 मिनट लगता है। तब तक मैं बैठ के ऑरेंज मैं छील लेती हूँ और मैं अपना ग्रीन टी भी कंप्लीट कर लूंगी, मेरा दोनों काम हो जाएगा। यहाँ पे मैं ऑरेंज बोल रही हूँ मौसमी को पील कर लेती हूँ, जूस बन जाएगा। और ग्रीन टी मेरा रेडी है, चलो सब पियो ग्रीन टी। और एक तरफ मेरे यहाँ गदर चल रहा है, मेरे हस्बैंड शुरू से सुबह से था कि गदर आ जाएगा, गदर तो लग गया गदर। मैं सारा जूस मैं घर में बनाती हूँ, देखो गोबो भी आज बहुत ज़्यादा थक गया। मैं सारा जूस मैं घर में ही प्रेफर करती हूँ बनाना, मैं पैकेट का रियल का या ट्रॉपिकाना का जूस मैं प्रेफर नहीं करती हूँ। और मेरे लिए इजी, मुझे बहुत इजी लगता है जूस बनाना घर में, मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है। थोड़ा इसको पील करना थोड़ा सा होता है, अदरवाइज आदत हो जाती है तो फटाफट फटाफट हो जाता है, हैबिट नहीं होने से। बोबो को बहुत पसंद है मौसमी, वैसे अभी कोरोना के टाइम में बोल रहे हैं, कोविड के टाइम में सब बोल रहे हैं कि मौसमी जूस पीना चाहिए, मौसमी जूस पीना चाहिए, इसलिए हम लोग भी प्रेफर कर रहे हैं मौसमी जूस के लिए। चलिए मैं सब कर लेती हूँ फटाफट से, बिना टाइम वेस्ट किए। और मैं ग्रीन टी सबसे पहले कंप्लीट करूंगी।
पास्ता बनाते हैं। मैंने पैन रखा है, मैं आपको दिखाती हूँ। कैरेट, अनियन एंड शिमला मिर्च, ये तीनों चीजें मैं डालूंगी। मिर्ची नहीं डालूंगी क्योंकि बच्चा खाए। फ्राई कलर, ये पास्ता मैंने बॉईल किया है, ये टूटा बिल्कुल भी नहीं है, आप देख सकते हैं। क्वालिटी बहुत अच्छा है पास्ता का। मैं यहाँ मार्केट से जो पास्ता लेती हूँ ना, मुझे उसका क्वालिटी पसंद नहीं आता है, मुझे ये क्वालिटी अच्छा लगता है। मैं क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज कभी भी नहीं करती हूँ। अब यहाँ पे मैंने जूस बनाया। मैं सबसे पहले ये जब तक गर्म होगा मैं इसे जूस ऑयल को गर्म होने देंगे। ये मैं बहुत सिंपल बना रही हूँ, जल्दी जल्दी में जो जितनी फटाफट हो सकता है ना मैं वो। अगर मुझे जरूरत तो मैं चिली फ्लेक्स यूज करूंगी इसमें, ग्रीन चिली तो नहीं। सॉटी करना है बहुत कम, बच्चों को बहुत पसंद आता है पास्ता। देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। मैं इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूंगी। देखो बस बहुत जल्दी सॉटी होगा। पास्ता वगैरह ऐसी चीजें हैं जिसमें कितना भी वेजिटेबल्स डालो ना कम हो जाता है। मुझे हमेशा लगता है कम डाला मैंने। पास्ता की क्वालिटी अच्छी होती है तो टेस्ट बहुत अच्छा होता है। चिली फ्लेक्स डाला, सॉस, आप अपने टेस्ट के हिसाब से सॉस डालना, आपको कितना सॉस पसंद है। वन और मैं इसमें ऐड करूंगी शुगर, बच्चों को खाना है सारा फ्लेवर आना चाहिए। आज मैं बहुत सिंपल बना रही हूँ, मैं चिकन वाला भी बनाती हूँ, मैं किसी दिन आपके साथ शेयर करूँगी। दिस इज अ रियल पास्ता। अभी मैं इसका मेन ट्विस्ट में ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ 2 स्पून ऑफ मेयोनीज, एगलेस 1 स्पून, अब भी नहीं लगता इससे। आपको देख के भी लग रहा होगा ना फ्री में, आपको व्हाइट सॉस बनाने की जरूरत नहीं है। मेयोनीज ऐड कीजिए और पास्ता का रियल फ्लेवर देखिए। चीनी, सॉल्टी, स्वीट, स्पाइसी, इसका सारा फ्लेवर आता है। ये देखिए अभी मैं इसका रियल टेस्ट लाती हूँ। अब मैं क्या करूंगी, गैस मैंने फ्लेम बंद कर दिया है, मैं इसको निकालूंगी। ठंडा ऐसे होने दूंगी। इसमें मैं 1 स्पून मोर मेयोनीज डालूंगी क्योंकि वो कढ़ाई में मेल्ट हो जाता है।
कैसा लगा बुबू? खाओ खाओ, जल्दी बताओ कैसा लगा। अच्छा लगा। आगे बढ़। आज मैं डिनर में बनाऊंगी खिचड़ी। आज सैटरडे है तो सैटरडे को मैं बनाऊंगी खिचड़ी और चोखा और पापड़। तो चलिए मैं अब अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ और आपसे मिलूंगी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अपने संडे के ब्लॉग में, और जिसमें जरूर से जरूर कुछ स्पेशल होने वाला है संडे में। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और मेरा खिचड़ी रेडी होगा, बस सिंपल से खिचड़ी को शेयर करने लायक कुछ है। अगर कभी हुआ तो मैं शेयर जरूर करूंगी खिचड़ी की भी रेसिपी आप लोगों के साथ। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। एंड थैंक यू, मेरे ब्लॉग्स को आप इतना लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आप मेरे ब्लॉग का वेट करते हैं वो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा।